व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आपको हम ये देख के अच्छा लग रहा है, हमें आपको देख के अच्छा लग रहा है। तो आज धूप बहुत ज्यादा थी तो मैंने कहा चलो ऊपर बैठ के थोड़ा ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट किया जाता है। बहुत बारिश हो रही थी और नीचे बहुत ठंड लग रही थी। बारिश बारिश बारिश, दिमाग खराब हो गया था। सोच रहे थे बारिश हो क्यों रही है, बरसात है कि सर्दी है? आंखें देख रहे हो, अभी उठे हूँ बस मैं, 10-15 मिनट हुए। मैं कहा चलो ऊपर पहले कुछ खा पी के धूप में बैठ के आराम से कुछ खा के आते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। तो ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ आपको। ब्रेकफास्ट तैयार है अपना, ये सुविधा जी का, ये अपना। इसमें मैंने प्रोटीन मिक्स कर दिया, ने प्रोटीन मिक्स किया, नीचे पी के आई थी। फर्स्ट मील है वैसे तो, मैं तेरे को पता ही है नॉर्मली मैं प्रोटीन शेक पीता हूँ, बट आज मैंने सोचा चलो इसके वाली मील, ये इसकी मील है। मैं कहा चलो इसकी मील ट्राई करते हैं। मतलब दो तीन मील्स वैसे चेंज करती हूँ, ज्यादा मैं ब्रेकफास्ट में चेंज नहीं करती हूँ, मुझे मॉर्निंग में यही अच्छा लगता है। और ये मैं एक साल से ऐसा ही यही मील ले रही हूँ। तो इसमें हमने क्या क्या डाला, क्योंकि आप सब पूछने ही वाले हो, आपने मील देख ली तो आप पूछोगे कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो इसका ओट मिल्क है, मेरा नॉर्मल मिल्क है। इसके अंदर हमने फ्रूट्स डाले हैं, वो है बनाना और स्ट्रॉबेरी और बेरीज, और डाले हैं कैश्यूज। इसने प्रोटीन मिक्स किया मैंने नहीं किया है, और इसमें हमने चिया सीड्स भी डाले, मैंने थोड़े बेसन सीड्स भी डाले हैं, बट इसमें चिया सीड्स आया। और मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है म्यूसली। पिछले 10-15 दिन में हमने इतना बारबेक्यू खाया, इतना बारबेक्यू खाया ना बेहिसाब। क्या बोलती है, अपने गार्डन का यूज इतना गर्मियों में नहीं किया जितना सर्दियों में किया है, और पैसे पूरे हो गए है ना। बाहर तो हम जाते नहीं कहीं पे, तो इधर ही घर पे बैठ के बढ़िया बना सकते हो, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया टेस्ट, तो फिर बाहर भी जाओगे भाई। अपने हाथों से बनाने का खाने का मजा ही कुछ और है। कुंडी लगा दी। कल मैं जिम जाने लगा था, मैं इधर अपने कपड़े निकाल के रखे थे, लेकिन इस मनहूस की शक्ल देख कर मेरा जिम जाने का मन नहीं किया। एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको। अपनी असलियत दिखा। ये हमारा बाथरूम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमारा नहीं, हमारा नहीं है, तेरा है, तेरा है। अच्छा, गंद पड़ा तो मेरा मेरे भी हो जाता कपड़े है। पड़े हुए हैं, इसको मैंने धोने हैं, इसको मैंने धोने हैं, ये पहनने हैं, इनको और इनको अगर धोने लग गया ना तो मेरे को पहले तो 3 साल रेस्ट चाहिए उसके बाद। ये तो सुबह उठते ही कुछ मत देखो, फोन देखो उठते ही बादाम बादाम गा रहे, बादाम बादाम बबू बादाम बा रहे, बबू बादाम। दिमाग खराब हो गया, बुबू बाबा बजा बा, पता नहीं क्या है यार। सब मील ले को आधा घंटा हो गया। मैं ले रहा हूँ फिश ऑयल, मल्टी वाइटामिन और लिवर क्लींजर। ये भी ले रही है फिश ऑयल एंड मल्टी वाइटामिन। कौन गिलास दोगा, कौन इतना कष्ट करेगा। जिम जाते हैं तो मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, जिसने वो कॉपी किया तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने उसको बोल दिया कि मेरे को गुस्सा आ गया, इसमें कुछ गलत बोला मैंने। अपनी ब्लॉगिंग करने का तभी फायदा है जब आप अपनी असलियत, अपनी रियलिटी कैमरा पे दिखा रहे हो। मेरी रियलिटी यही है यार। तेरी रियलिटी जितनी तो आराम से भी बात कर रहा ना, ये नहीं है। बता ना सबको, तूने फोन कैसे फेंका, कि इतना ओ कितना मासूम बन रहा है, सारा इल्जाम मेरे पे लगा रहा है। जैसे मैं ट्रेन करने वाला हूँ बाइसेप या फिर लेग्स, दोनों में से एक बाइक ट्राई करूंगा या लेग करूंगा, तूने क्या करना भाई? बैक बैक। सो ये बैक मैं बाइक ट्राई करूंगा या फिर लेग करूंगा, जो मेरा मन करेगा वो करूंगा, धक्का मत करियो ठीक है। मैंने कब किया धक्का? ठीक है, अभी कुछ टाइम से ना क्लाइंट वर्कलोड इतना होने कारण ना अपना वर्कआउट हम कभी कभी स्किप कर देते थे, ताकि हमारी जो सर्विस है ना उसमें हम अपना बेस्ट दे पाए, इसलिए हम स्किप कर देते थे। लेकिन उससे पहले 7-8 बॉडी फैट परसेंटेज में मैं रहता था, और मेरा वेट 80-85 रहता था, और मैं बाइसेप 16+ रहता था, और चेस्ट मेरी 46-47-48 इतनी रहती थी। सुविधा का वेट भी 50-52 रहता था, तो वही मैक्स 55 जाता था। सो अभी 2-3 kg ऊपर हो गया है, बट अभी हमें मेन फोकस क्या करना है, अपने उसी फॉर्म में वापस आना है बहुत जल्दी, ताकि हम अपने क्लाइंट्स को जो हमारे हमें इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखते हैं उनको और मोटिवेट कर पाएं। और अब मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है तो मेंटेन रखना पड़ेगा। अपनी हेल्थ के लिए तो वैसे भी करना ही चाहिए, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चाहे ना हो, हेल्थ इज़ वेल्थ। डन विद द वर्कआउट। जिस दिन हम वर्कआउट करने जाते हैं हमारे 3 घंटे इजीली रखते हैं, वो रीजन उसका ही है, एक तो व्लॉग शूट करना होता है, एक इंस्टाग्राम की सुविधा के लिए जो इंस्टाग्राम है इसका, उसके लिए वीडियो शूट करनी है, एक मेरा इंस्टाग्राम उसके लिए वीडियो शूट करनी है, एक सुविध्रुव का वो इंस्टाग्राम है उसके लिए वीडियो शूट करनी है, बंदे 2 अकाउंट 4, तो सबके लिए शूट करना पड़ता है वीडियो, तो बहुत टाइम लग जाता है राइट। हाँ, और इसलिए कम से कम एक अकाउंट पे तो फॉलो करो कि नहीं करना बनता यार, लाइक वाला बटन कसा दियो, एक अकाउंट पे तो फॉलो करो। सो गाइस हम घर आ चुके हैं, और साथ में हम ले आए थे अपनी मील, ये हम मील लेंगे लेकिन अभी नहीं लेंगे, अभी उससे पहले लेंगे ऑन का वे प्रोटीन। लूंगा मैं 1 स्कूप, 1.5 स्कूप मैं लूंगा, 1 स्कूप
सो आपको ओन का पता ही है 35 इयर्स से बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है और एक स्कूप में 32 ग्राम का स्कूप है, उसमें 24 ग्राम प्रोटीन है। जब मैं पहले जिम स्टार्ट की थी तब मैं बहुत ओन के बहुत प्रोटीन मैंने अपने भाई से भी मंगवाता था क्योंकि इंडिया में तब इतना नहीं मिलता था, बट अब तो इंडिया में मिलता है। सो आप चाहो तो ये वे प्रोटीन ओन का यूज कर सकते हो और ये कोई प्रमोशन तो है बट दिल से बोल रहा हूँ अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ, मैंने भी काफी देर यूज किया है पहले भी ऑन, है ना। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा भी कोई तक्का नहीं, जेड़ा ताड़ा दिल का तुसी हलो, बट आप पाई पीना होना थे। गैस पूरी 24% प्रोटीन, एक बार पियोगे तो बार बार मांगोगे। वेज माइन, पहले मैं तो पी लू यार। देखा कैसा, ये वही घटिया आदमी है ना, अपना झूठा मेरे को पिलाना चाहता है। अभी काम से फ्री हुए थे एंड सुविधा ने डिनर बनाया, ये चिकन सॉरी एग रैप है, सुविधा का पनीर रैप है और यहाँ पे मशरूम्स और क्यूकम्बर और ये हमारे दो लाल भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी मैं करता हूँ डिनर एंजॉय, सुविधा भी कर रही है अपना डिनर एंजॉय एंड उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सुबह मिलते हैं, है ना, राइट। एंड लाइक वाला बटन के साथ लव यू ऑल एंड व्लॉग आते रहेंगे। सत श्री अकाल, गुड नाइट, गुड नाइट।